रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना बाबूगढ़ पुलिस व स्वाट टीम को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में फरार लूट का आरोपी राहुल शर्मा औरंगाबाद जिला बुलंदशहर को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिसके पास से लूटी हुई सेंट्रो कार व लूट का मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस की माने तो आज भी यह बदमाश किसी लूट की घटना को अंजाम देने के इरादे से बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के लुकलाड़ा गाँव के गेट के पास खड़ा था। आरोपी पर थाना बाबूगढ़ में लूट का मामला पहले से ही दर्ज था और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में बुलंदशहर पुलिस से भी पता कराया जा रहा है। लूट के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हापुड़ पुलिस ने राहत की सांस ली है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रियाज अहमद की रिपोर्ट। की टीम बनाई गई, पुलिस की टीम लगातार इनके पीछे लगी रही। कल इनकी पहचान हुई और इनकी गिरफ्तारी करा ली गई, जिसमें ये राहुल शर्मा नाम का लुटेरा जो बुलंदशहर का रहने वाला थाना औरंगाबाद का, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उससे लूटी हुई सेंट्रो कार एवं अन्य जो भी सामान है सभी बरामद कर दिया गया है। और इसके बाद इनके एक अन्य साथी फरार हैं, उनकी भी तलाश जारी है, उनको भी जल्द जल्द जेल भेज दिया जाएगा। ये जनपद बुलंदशहर से इनके अपराधी इतिहास बारे में जानकारी कराई जा रही है।